हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मैनुअल टब क्लीनिंग। हमारे एलजी का ये वॉशिंग मशीन है, तो आज हम करते हैं इसका टब क्लीनिंग। तो टब क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हमको इसका ये कैप निकालना है। इसके अंदर ये टेस्टर लीजिए, इससे ये जोर से ऊपर निकल जाएगा। अब व्हील का सेंटर स्क्रू निकालने के लिए ये स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इससे स्क्रू खोल दीजिए। अगर आपको मशीन खोलने में दिक्कत है तो आप हमारा दूसरा टब क्लीनिंग वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अब हमने इसका स्क्रू खोल दिया है, अब हम इसके वॉशिंग व्हील को निकालते हैं। बस इसको जोर से ऊपर की तरफ खींचना है, ये आसानी से बाहर निकल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर में डिटर्जेंट रेसिड्यूस और काई जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमा हुआ है, जो कि ये कपड़े धोते वक्त ऊपर आकर कपड़ों के कोने में बैठकर कपड़े ख़राब कर सकता है। देखिए कितनी काई जमा हो गई है, जो कि ये हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। इसको आप ब्रश या किसी भी स्क्रब से साफ कर सकते हो। अभी हम इसे पानी से स्क्रब कर रहे हैं, इसके बाद गंदा पानी मशीन से ड्रेन कर देते हैं। देखिए जमी हुई गंदगी निकल रही है, कितने आसानी से हमने इसको क्लीन कर दिया है। अगर आप किसी मैकेनिक को बुलाते तो आपको इसके लिए 1000 से 2000 चार्जेस देना पड़ता। तो अभी हमने टब और व्हील दोनों को अच्छे से क्लीन किया है, तो अभी हम इस व्हील को फिट कर देते हैं। तो इस व्हील को पहले जैसा फिट कर दिया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आसानी से टब क्लीन करने का मेथड बताया है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।